ट्रैफिक जैम हो चुकी है, कोई भी जो है ना हॉर्न नहीं बजा रहा। बस पता नहीं इस पंप पे जब भी मैं पेट्रोल डलवाने आता हूँ कार्ड काम नहीं करता। पे इनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही है, आगे आगे फातिमा चल रही है। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। तो भाई जान, आज इतवार का दिन है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। नाश्ते के हिसाब से सुबह का टाइम बता रहा हूँ, वैसे अभी बज रहे हैं तकरीबन 5:15 शाम के, तो तकरीबन 4:30-5 बजे ही उठा था। तो अभी टाइम मिला है नाश्ता करने को, तो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और उसके बाद भी कुछ प्लान है, कुछ कल के खाने के प्लान है कि जी खाना तैयार करना है और साथ में कुछ पैसे निकलवाने हैं, भेजने हैं, वो खाते भी करने हैं। तो चलें सबसे पहले नाश्ता तो कर लें। अभी हमारे पास नाश्ते में बटर, पीनट बटर है जी, जैम है और साथ में आमलेट है और यहाँ पे दूध भी है और इन सब को ब्रेड पे लगाएंगे। तो नाश्ता करते हैं आज ब्रेड के साथ। तो मैंने सोचा कि हमेशा पराठे शराठे बनाते हैं, तो आज ज़रा पराठों के साथ साथ थोड़ा सा ये वाला टेस्ट भी होना चाहिए कि ब्रेड, ब्रेड के एक साइड पे जैम और दूसरे ब्रेड पे बटर और दरमियान में आमलेट। ओए भाई ऐसा मज़ा करता है ना, क्या बताऊँ। चलें आपको भी दिखाते हैं। एक सैंडविच तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ा आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जान अब बारी है खाना पकाने की। वो मगरिब की नमाज़ का भी टाइम हो चुका है, तकरीबन 6:15 बज रहे हैं। मैं सोच रहा था कुकर में ये कीमा शीमा डाल दूँ ताकि मेरे नमाज पढ़ने तक कीमा हो जाए तैयार। मैंने लिया है 1/2 किलो कीमा, 2-3 प्याज लिए हैं और साथ में 1.5 कप पानी का। इसे मिक्स करने के बाद अभी मैंने इसे चूल्हे पर रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। भाई जान खाना तो साथ साथ चलता रहेगा और वो तो वैसे भी हर हफ्ते बनाना होता है, तो अभी खाने को छोड़ के जा रहे हैं हम स्केटिंग के लिए। तो ये देखें जी, अभी ट्रैफिक जैम हो चुकी है, मतलब देखें तीनों साइड से गाड़ियां आई हुई हैं, लेकिन आप देखें कि यार कोई भी जो है ना हॉर्न नहीं बजा रहा, बस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि कौन आगे जाए तो दूसरा निकले। ये देखें जी, पीछे भी गाड़ी आ चुकी है, इस साइड पे भी गाड़ी है, ये भी गाड़ी है और इधर हमारी गाड़ी भी है। अब देखते हैं क्या बनता है। रास्ता खुल गया आखिरकार, बड़ा डिसेंट माहौल है इधर जी। भाई जान ये देखें जी, मेरा साइड इंडिकेटर मतलब जो साइड शीशा है वो अभी तक बंद है, खुला है ही नहीं और मैं इधर तक पहुँच आया हूँ। मैंने देखा तो पेट्रोल बहुत कम था, तो हमने सोचा कि भाई पहले पेट्रोल डलवाते हैं, बाकी बात की बातें हैं। क्रेडिट कार्ड जी, पता नहीं इस पंप पे जब भी मैं पेट्रोल डलवाने आता हूँ कार्ड काम नहीं करता। अब 2 कार्ड चेक किए दोनों के साथ, अभी पेमेंट नहीं हो रही, तो अभी लगता है कि दूसरा पंप ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेटिंग आई है तो मैंने यहाँ पे कार्ड पुश किया, अभी काम कर गए, अभी दोबारा खोलना पड़ेगा यार। यानी तकरीबन 2000 रुपये में 6 लीटर पेट्रोल है, आप कह सकते हैं 3,330 या 340 का लीटर बन गया। तो जी देर भी हो रही है, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, कहीं ऐसे ना हो टिकट ही वो बंद कर दें, आप स्केटिंग नहीं कर सकते। In a minute, turn right.
तो भाई जान टाइम बहुत कम रह गया है। ये देखें जी यहाँ पे तो पहुँच आए हैं, और ये देखें जी यहाँ पे इनकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं। लगता है ये जो है ना स्केटिंग की तैयारी करवा रहे हैं, मतलब स्केटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। चेक करें जी, बाकायदा इनके क्लब श्लब होते हैं। और हमारी वाली साइड क्या होता है भाई, बस कूद पर हो। हम भी ऐसे ही आए हैं, कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, कोई वो कहते हैं ना किसी से गाइडेंस नहीं ली, बस टिकट ली और पहुंच गए अंदर। और स्केटिंग करने से पहले ये लोग वार्म अप भी करते हैं। यह जी टिकट ऑफिस, टिकट लेते हैं। ये है जी हमारी टिकट 1000 वॉन की। तो अभी जल्दी जल्दी शूज़ लेते हैं। और ये देखें जी आज तादाद बहुत कम है, तो अभी स्केटिंग करने का मज़ा भी आएगा। ये शूज़ उठा लिए हमने। फातिमा हमसे पहले आई हुई है और मुंतज़िर भाई, अस्सलामु अलैकुम। ओ नहीं पहुंच सकती, ओ हेलमेट भी पहन लिया है। चलते हैं ग्राउंड में। ये हमसे आगे आगे फातिमा चल रही है और साथ में मुंतज़िर भाई। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पहुंच जाएं। दा फातिमा मुकबला वगैरह असद ना, असद दा आ गए, असद बोए शो। भाई जान टाइम पूरा हो चुका है, अब शूज चेंज करते हैं। आज मज़ा है, आज आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हो रही है। फातिमा हार गई, हार गई ना। थैंक यू। देखें जी यहाँ पे कितने ज़्यादा, यहाँ पे ये जो है ना डॉल्फिन वगैरह रखी हैं, हेलमेट शेलमेट हो गए, और ये ऑफिसेज इनके बंद हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें बैक साइड पे कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, या फिर कोई बाउंड्री वॉल इन्होंने रखी हो कि यहाँ पे कोई नहीं आए, तो इसके बावजूद यहाँ से कोई भी सामान नहीं उठाता। और यहाँ पे वैसे इसको बर्फ़ की सेटिंग कर रहे हैं ताकि सुबह आते सार ही ना ठीक रहे। अल्लाह हाफिज़। तो जी वो है जी मुंतज़िर भाई की गाड़ी, और ये है हमारे। अभी हमने दोबारा कीमा बनाना शुरू कर दिया है, तो साथ साथ कीमा चल रहा है और साथ साथ अनार का जूस। तो अभी जो है ना दोबारा गिलास उठाना मुश्किल है क्योंकि एक हाथ से पीना है, तो फिर अभी इसी तरह पियेंगे। तो कीमा भी और डाला हुआ है अभी, तो अभी कुछ देर बाद इसमें आलू शालू डालेंगे और हमारा कीमा सेट हो जाएगा जी। तो भाई जान माशाल्लाह से हमारा कीमा भी तैयार हो चुका है, तो इसे ज़रा रखते हैं 5-10 मिनट, उतनी देर में हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर साथ में रोटी शोटी बनाएंगे। तो भाई जान वीडियो भी एडिट हो गई और अपलोड भी हो गई, और अब बारी है रोटियों की। तो जी रोटियां बनाते हैं और खाते हैं, और टाइम तो वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात के 12 बज रहे हैं, तो फिर सोना भी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अगर कल टाइम मिला, नहीं तो फिर परसों।